आई थिंक डे वन से मेरा फोकस बहुत ही क्लियर था. लोगों ने बहुत चीज़ें बोली, घर वालों ने स्पेशली, एंड आई थिंक मैं बहुत ही फोकस थी और मैं बहुत ही डिटरमिन थी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ. एंड आई थिंक डिटरमिनेशन इज़ योर की. सी, ये मैं भी बोलती हूँ कि अगर कोई बड़ा हो तो छोटा उसे कभी बदतमीजी से बात ना करे, बट अगर बड़े को ही तमीज़ नहीं हो बात करने की, लहजा नहीं हो उनका सही, तो आप, आई एम सॉरी, बट अगर कोई आपसे एकदम स्नूटी वे में बात करे ना, तो इट्स नॉट राइट, मुझे ऐसा लगता है. एंड आई थिंक रणवीर जी से मैंने हमेशा रणवीर जी करके बोला है. मैंने अपना आपा अगर खोया है क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझसे डिसरिस्पेक्टफुली बात की है. अगर आप मुझे और कृतिका को कंपेयर करोगे, उन्होंने हमेशा कृतिका को एक सॉफ्टर वे में बोला है, और हमेशा व्हेन आई हैव एवर स्पोकन टू हिम, उन्होंने हमेशा मुझे ऐसे ऐसे हाँ क्या. सो आई थिंक इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक. अब रिश्ते की तो मतलब आई डोंट नो, फॉर मी इट्स लाइक ईसीजी में एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो आई थिंक मेरा और उनका रिश्ता सिर्फ ऐसे स्ट्रेट है. मैं जिद्दी हूँ और मैं दीवा हूँ. मैं इतना ही बोलूँगी दैट मुझ में, आई थिंक सब में वो चाह होती है सेल्फ लव की, बस इतना डिफरेंस है कि कोई कोई लोग बोल नहीं पाते और मैंने सिर्फ उस चीज़ को बोला है. आई डू लव माई सेल्फ एंड इसमें कोई बुराई नहीं है. आई थिंक मैं ना रिश्ते जल्दी बनाती नहीं हूँ, एंड अगर आप मेरी जर्नी देखोगे ना, तो एज आई सेड मेरा फोकस बहुत क्लियर था. मुझे लगता है कोई रियलिटी शो में रिश्ते नहीं बनते, बट यहाँ पे मैंने दोस्त बनाए हैं एंड आई थिंक वो दोस्त को मैं ज़िंदगी भर रखूँगी. रही बात विशाल और लवकेश और शिवानी की जाने की, तो आई थिंक दो नहीं मैं बोलूँगी तीन दोस्त जब गए थे तब मेरा दिल टूटा था. अगर आप देखोगे गेम के एंड पड़ाव पे ना, पूरा घर मेरे अगेंस्ट हो गया था. दे डोंट लाइक मी, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट दे नेवर लाइक्ड मी. एंड आई थिंक जब मेरे दोस्त जा रहे थे तो कई हद तक मुझे अकेलापन लग रहा था कि यार ये जा रहे हैं यार, शिट शिट. बट जाते जाते विशाल ने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी कि मकबूल में इतना दम है कि अगर पूरा घर एक तरफ हो जाए वो लड़की फिर भी अकेली खड़ी रहेगी. एंड आई थिंक आई लिव अप टू दैट. यस, अब एक एपिसोड में मुनव्वर आए थे और मुनव्वर ने मुझसे पूछा था कि सना टॉप थ्री में तुम किसको देखती हो, तो मैं अगर जर्नी इवैल्यूएट करूँ तो मैंने रणवीर जी का नाम लिया था, मैंने नेजी का नाम लिया था, और थर्ड मैंने अपना नाम लिया था. और मैंने कहा था कि नेजी को मैं चाहती हूँ वो एज अ विनर बने, क्योंकि वो लड़का दिल से बहुत साफ है, बहुत नेक है, उसने कभी किसी की बुराई, यू नो, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा. एंड रही बात मेरा और नेजी का एक रिलेशनशिप, मेरे लिए वो बंदा बहुत स्पेशल है. सो आई थिंक डॉग्स डू बार्क, सो लेट हिम बार्क. यस यस, मैं एक बात आप सबसे ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, येस कहीं हद तक मुझे भी ऐसा लगा कि क्योंकि ना हम घर के वो चार बदमाश बच्चे थे, मैं शिवानी लवकेश विशाल हम चार वो बदमाश बच्चे बाकी घर वालों के लिए थे कि यू नो ये थोड़े एक अपनी चौकड़ी बोलते थे कि ये लोग यू नो नोबडी लाइक्ड अस. सो और अगर देखा जाए तो ग्रुप्स में घर बढ़ गया था. एक तरफ सात जन थे तो एक तरफ चार जन थे, एक तरफ छः जन थे तो दूसरी तरफ चार जन थे, तो पल्ला उधर बहुत भारी था. एंड आई थिंक उस रीज़न से मेरे जो दो दोस्त थे वो बाहर निकले. मेरे लिए साई केतन और कृतिका मलिक वॉज नॉट डिजर्विंग. स्पेसिफिक रीज़न अगर आप साई की जर्नी की बात करो तो साई पूरा सीज़न कुछ कर ही नहीं पाया है. अगर उसने बोला है कि लवकेश
उसने पूरे सीजन यही बोलता आया है कि मकबूल डिजर्व नहीं करती. आई डोंट नो व्हाई ही फेल दैट, बट उसका ओपिनियन इट्स ओके. बट मेरे ओपिनियन में साई मुझे लगता था कि स्टार्टिंग से वो कुछ कर नहीं रहा था. सेकेंड हाफ में उसने रणवीर जी और अरमान जी की पुछ पकड़ के वो गेम में आगे बढ़ता गया. सो साई केतन मेरे लिए डिजर्विंग नहीं थे. कृतिका की बात करूँगी तो अगेन आई विल से कि कृतिका भी गेम में मुझे दिखी नहीं, वो अरमान के पीछे पीछे ही थी एंड आई थिंक वो उनके लिए काम कर गया एंड शी नेवर गॉट नॉमिनेट, मतलब नॉमिनेशन में वो कभी आई भी नहीं. एंड जहाँ जहाँ उनके पति थे वहाँ वहाँ वो थी, तो आई थिंक सेफ प्ले कर ली. मैं एक चीज़ जरूर, नेजी के बारे में आई एम रियली सॉरी, बट नेजी का दिल बहुत साफ है, दिल का सच्चा है, और ये हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल से सच्चे होते हैं ना वो डिज़र्व करते हैं. तो अगर आप मेरी भी बात करो, मैं भी, लोगों ने मुझे बहुत बोला, सेल्फिश बोला, मीन बोला, अपॉर्चुनिस्ट बोला, एरोगेंट बोला, बट मेरे लिए मेरा डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रेट था, मेरा फोकस बहुत स्ट्रेट था, और मैं रियल लाइफ में ऐसी हूँ. मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना गेम में ना जनरली. मैंने हमेशा लोगों के लिए अच्छा ही बोला. अगर जो मुझे गलत लगे है मैंने उनके लिए गलत बोला है, जो सही लगे मैंने उनके लिए सही भी बोला है. हालांकि मैं साई केतन को कभी पसंद नहीं करती, बट अगर वो अपनी ड्यूटीज़ उसने बराबर किए तो आई हैव अप्रिशिएटेड हिम ऑल्सो. दो आई डोंट लाइक हिम, बट आई हैव अप्रिशिएटेड हिम ऑल्सो. सो आई थिंक अगर गेम की बात करें तो गेम में किसी पे हाथ उठाना इज़ नॉट वैलिड, बट सिचुएशन को ध्यान में रखें, क्योंकि हमें नहीं पता वो सिचुएशन क्या थी और किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई थी. हमें एक क्लिप वीकेंड के बार में पायल आई और कुछ बोल के गई, तो हम वी स्टार्टेड जजिंग ऑन दैट पर्सपेक्टिव. बट मैं एक चीज़ ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, हम औरत में ना एक इंस्टिंक्ट होता है, किसी के टच से हमको समझ में आता है उसकी नीयत में खोट है कि नहीं है. तो आई थिंक विशाल के लिए मैं यही बोलूँगी कि सी ही इज़ माई फ्रेंड, बट ही नेवर हैड दैट इंटेंशन फॉर हर. इट उसके मतलब वो पोर्ट्रे क्या करा गया है आई हैव नो आइडिया, मैंने वो देखा नहीं है. बट मुझे, जैसे मैं भी एक लड़की हूँ, अगर मेरे लिए भी कोई ये शब्द बोले जाएंगे कि you know, कुछ ऐसा बोला जाएगा तो मुझे भी बुरा लगेगा. कई हद तक मैंने अपने फ्रेंड को बोला भी था, मैंने कहा मैं एक लड़की हूँ, आई कुड रिलेट टू दिस विशाल, इट इज़ नॉट राइट. बट जब चीज़ें स्लोली स्लोली क्लियर होती गई, तब आई थिंक एक होता है ना कि जैसे मैंने बोला, एक औरत को इंस्टिंक्ट होता है, किसी के टच से पता चलता है कि वो गलत है या वो सही है. एंड आई थिंक विशाल ने डे वन से कृतिका को एक चीज़ बोली कि भाभी आप बहुत क्यूट हो, भाभी आप बहुत सुंदर दिखती हो. उसने डे वन से बहुत वोकली उस चीज़ को बोला भी है, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं बोला है. तो उस सिचुएशन को वो, क्योंकि हमें पता नहीं था, और दीपक जी ने बोला कि वो जो स्टोरी हमारे को दिखाई गई थी या बताई गई थी, हमने उस पर जज किया. तो उनका वो जो हाथ उठना था, अगर बाहरी दुनिया में ऐसा कोई हमको छेड़ता है या कोई कुछ करता है तो इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, बट गेम में आई फील इट्स नॉट राइट. बट हम सब ने उस चीज़ को अग्री किया कि शायद इसे स्पेशल केस करके हम उसे नज़रअंदाज कर दें. लास्ट क्वेश्चन, वेल आई थिंक उन सबको मुंह में चुप्पी मिल गई होगी, क्योंकि जो काना था वो तो ट्रॉफी लेके निकल ही गया. बोल जल्दी बोल. एक सी आई डोंट नो हिज पर्सनल लाइफ, शो से पहले मैं उसे कभी नहीं जानती थी, ना मैंने उन्हें कभी देखा. एंड एक और चीज़, मैं उन्होंने मेरे बारे में, मुझे मीडिया अराउंड में पता चला था कि उन्होंने बोला था कि ये अपना डूबता करियर बचाने आई है. तो मैं इस चीज़ पे ज़रूर एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि डूबता करियर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मैं यहाँ से अपना करियर ज़रूर बना के जा रही हूँ. तो उनके लिए मैं उन्हें ये जवाब देना चाहूँगी कि सर, अगर आपका करियर बना बनाया था तो आप इस शो में आए क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल आप भी तो अपना करियर बनाने आए हैं ना. तो उनको ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी. और उन्होंने एक और चीज़ बोली थी जो मुझे मीडिया अराउंड में पता चली कि विशाल और इन जैसों को तो मैं काम पे रखता हूँ. तो सर प्लीज़ काम पे रखिए, लुकिंग फॉर वर्क. आपकी फ्रेंड सरा जी थे, कैसा फील कर रहे हो पूरा जर्नी
भाई सना जीती है इसका मतलब मैं जीता होगा। अपनी भमाए जीती है, अपनी भमाए। दीदी भाई कुछ हेटर्स बोल रहे थे कि आप छोटे छोटे यहाँ तक पहुंच गए, आपका इन्वॉल्वमेंट गेम में नहीं है, रनर अप आ गया, अपने टीम को करार जवाब दिया, तो क्या तुमको बोलना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूंगा कि मैंने तो अपना बेस्ट दिया और मैं पब्लिक को पसंद आया तभी तो यहाँ तक आया, तो लोगों ने मुझे पसंद किया है और ये फैक्ट अपन डिनाई नहीं कर सकते। जैसी भी मेरी पर्सनालिटी है, मैं थोड़ा लेजी था क्योंकि मेरा मेडिकेशन चालू था, तो मैंने अपना बेस्ट दिया और यहाँ तक पहुँचा, लोगों को मैं पसंद आया, वही मेरे लिए बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को मैं पॉजिटिवली यूज़ करूँगा और लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी असली पर्सनालिटी उनको पता चली, तो मुझे लगता है यहाँ से तो मैं पीछे पलट के नहीं देखने वाला हूँ। और मैं बाहर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, अंदर मुझे सुकून मिला, अंदर मुझे प्यार मिला, लोगों के झगड़े होते हैं अंदर, लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ, मेरे को लोगों ने प्यार दिया, भाभियों ने मेरा ख्याल रखा, सब ने मेरा ख्याल रखा, सब ने मुझे प्यार दिया, सब ने मुझे अपना समझा, तो मैं अच्छे से वहाँ पे रहा, सुकून से रहा, और बाहर निकलने के बाद मैं बहुत मचाने वाला हूँ। क्या मुझे ऐसा लगता है मेरे घर वालों ने मुझे ऐसा सिखाया है कि अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए, गुस्सा शैतानी चीज़ है, गुस्से से चीज़ें बिगड़ जाती है, तो मैं इसलिए बहुत काम था, बहुत पेशेंट था, और जब लोग मुझसे लड़ने की कोशिश करते थे तो मैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करता था। ये चीज़ को मैं फैलाना चाहता हूँ कि लोग जब गुस्से में बात करते, झगड़ते, तो लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता है, उससे बुराई और बढ़ती है मेरे नज़र में। मैं चाहता हूँ कि लोग लड़ना बंद करें और एक अच्छे से बिहेव करें, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रिश्ते बनाएं और पॉजिटिव रहे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनालिटी वैसे ही है कि मैं बहुत कामली सिचुएशन को हैंडल करता हूँ। मैं पहले अलग था, मैंने घर में आके अपने आप को बदला, क्योंकि मैं पहले बहुत रिएक्ट होता था और एक्शन लेता था, और वो चीज़ मैंने बंद की क्योंकि वो चीज़ से मेरा नुकसान हो रहा था। तो जिस चीज़ से इंसान का नुकसान होता है वो चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ये बात मुझे समझ में आई, तो इसलिए मैंने अपने आप को बदला और मैं काम रहा और सॉर्टेड रहा, मैं किसी से झगड़ा नहीं करा। वो तो बहुत गलत था कि एक शो पे अगर थप्पड़ मारा जाए तो वो सही नहीं था मेरी नज़रों में। मुझे लगा कि उसने गलत एक्शन लिया, अगर उसने अपने घर वालों को यहाँ पर लाया है तो उसकी जिम्मेदारी भी और उसके साथ जो और भी चीज़ें होती है उसको समझ के लेना चाहिए, क्योंकि उसने अपने घर वालों को यहाँ लाया है। अब उसके बारे में मेरे को वो बोलता है कि तेरे साथ ऐसा होता तो क्या, मैं बोला मेरे साथ ऐसा होता तो मैं काट देता, लेकिन घर के बाहर, घर के अंदर नहीं। तो घर के अंदर उसने थप्पड़ मारा, वो मेरी नज़रों में गलत था, इस बात का मैंने स्टैंड भी लिया। तो अब्बू ने मुझे आके बहुत अच्छे से बोला कि बेटा आई एम प्राउड कि तुमने घर में सबकी खिदमत की, तुमने खाना बनाया, लोगों को खाना खिलाया, और तुम इतने पॉजिटिव रहे, तुमने झगड़े लड़ाई नहीं करी, तुम दूसरे कंटेस्टेंट के जैसा तुमने गीबत नहीं करी, तुमने चुगली नहीं करी, तुम बहुत पॉजिटिव रहे, और हम लोग ने जैसी तुम्हारी परवरिश की है उसका तुमने एक अच्छा सबूत दिए। तो मेरे पेरेंट्स प्राउड थे कि मैंने इतने अच्छे से खेला, और मेरे पेरेंट्स को बिग बॉस पर देखकर मुझे भी खुशी हुई कि मुझे ऐसा मेरी उम्मीद की किरण जागी कि अब शायद मेरे घर वाले मुझको एक्सेप्ट करने लगेंगे, मेरे प्रोफेशन को समझने लगेंगे, तो मुझे बहुत पॉजिटिव लगा कि मेरे अब्बू बिग बॉस पर आए। मैं यही कहना चाहूँगा कि हार मत मानो, ऐसा मत समझो कि मैं हारा, मैं जीता हूँ,
मैं तुम्हारी नज़रों में जीता हूँ, मैंने लोगों का दिल जीता है, तो सब खुश रहो और अभी असली सफ़र तो अभी शुरू होने वाला है। भाई एक्सपीरियंस तो बहुत ही तगड़ा, मजे आ गए, वंस इन अ लाइफ टाइम वाली अपॉर्चुनिटी होती है और मैंने बहुत स्वाद लिए भाई इसमें, बहुत स्वाद लिए। चलो इसका आंसर आप बताओ, आप बताओ, जीतते ना बस, तो फिर वहीं पे सिस्टम हैंग हो जाता। देखो क्या है ना, मैंने ज़िंदगी में बहुत भाईचारा कमा रखा, तो उसी का नतीजा है वो, जितने भाई मेरे लिए सपोर्ट कर रहे थे, मीटअप वीटअप करवा रहे थे, वो आपने देखा ही होगा, तो उसी चीज़ का नतीजा, और मैं उसको बिल्कुल नहीं मना कर रहा कि वो लोग नहीं खड़े थे, खड़े थे तो खड़े थे भाई, और अक्से खड़े थे। आपको लगता होगा यार ऐसा कि जानी जा रही है कहीं ना कहीं, लवकेश कटारिया जो एक नाम है, मैंने खुद ही पहली बार इतना देखा है कि हाँ भाई आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी की, हाँ लवकेश कटारिया कौन है दिखा के आए हो, अच्छा बुरा जो आपने बोला वो आपने खुद के लिए बोला, तो कहीं ना कहीं जनता में क्लियर तो हुआ है। जी भाई ऑफर आएगा तो बिल्कुल करेंगे, इसमें नई बात क्या, किसी के क्या भी कर लेंगे, कोई दिक्कत ना। यार ख़त्म तो मैं किसी के गैल नहीं करूँगा खैर, बट हाँ रखना ज़रूर चाहूँगा विशाल शिवानी और सना के साथ मकबूल। भाई मैंने सुनी नहीं ना उस टाइम पे, बाहर भी बोलता तो क्या है, बोलना देना उसका काम ही बोलना, उसे करा नहीं जाता कुछ यार, उसको बस बोलना आता। किस चीज़ की दोस्ती, कैसी दोस्ती? नहीं यार देखो अंदर भी आपने देखा होगा, मैंने बेमतलब के तो कुछ बोला नहीं उसको, वो जब पिन मारे करता मैं जब भी बोले करता, तो बाहर भी देखा जाए तो मैं रोज वीडियो नहीं बनाता, हाँ भाईचारा वो बात अलग है, पर कहीं ना कहीं एलविश से ज़्यादा उसकी वो है अंदर से खटास, और ऑब्वियसली बात है मैं तो भाई के लिए खड़ा हूँ ना, एलविश के लिए, तो अगर भाई के लिए कुछ है तो कोई दिक्कत ना, हम भी खड़े हैं भाई के लिए। फिलहाल के लिए तो नहीं यार, यार अभी थोड़ा बाहर का भी माहौल देखने दो, अब मेरे हिसाब से 18 भी जल्दी स्टार्ट हो जाता, अभी अक्टूबर के आसपास, तो अभी मेरे को बाहर की ज़िंदगी देखनी है, थोड़ी इन्जॉय करना दोबारा, अंदर इंसान थोड़ा पागल भी हो जाता है, हंसता खेलता भी है, पर इतना जल्दी जल्दी नहीं भाई, नहीं बोलेंगे यार, वो समझते हैं मुझे। मैंने वो अपने व्लॉग में क्लियर कर दिया, अगर नहीं देखा तो आप देखाना यार, मेरे को ना मैं शो की रिस्पेक्ट के लिए आया हूँ, शो ने मुझे इतना कुछ सिखाया, इतनी मेमोरीज बनवाई, तो ऑब्वियसली शो की रिस्पेक्ट थोड़ी मैं ख़राब कर दूंगा कि चलो कोई बात नहीं, वो मेकर्स का फैसला है, जो भी हो जनता का जो भी लगता हो, बट ऑब्वियसली मुझे आना चाहिए था फिनाले पे। जी ऑब्वियसली खेल गए यार, और फेयर एंड फेयर वाली तो बात मैं जब भी समझ गया था, जब अंदर के जब वो कह रहे थे कि आज घर वाले डिसाइड करेंगे कि कौन बाहर जाएगा, तो ऑब्वियसली 4 वोट मिलने थे मुझे यार। आपको लगता है नहीं मैंने उनको भी वही बात बोली कि आपको पता है इस चीज़ का आंसर अच्छे से, और इन सारे भाइयों को पता होगा कि ऑडियंस के बेसिस पे होता तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हम पे है तो है ना भाई, जनता प्यार करती है तो करती है, तो ऑब्वियसली
बिल्कुल भाई बिल्कुल, अगर वही वाली बात है ना यार, जिस पे है जनता, जिस पे सब्सक्राइबर्स, जिस पे व्यूअर्स हैं, तो कहीं ना कहीं उस पे एक प्लस पॉइंट भी है, और उसका हक है यार उस चीज़ का। कौन ये, कौन है? नहीं 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 सुना। वाह यार वाह, मजा आ गया सुन के। यार मेरा कुछ रिएक्शन नहीं था उस टाइम पे, मेरे को विशाल गलत लग रहा था तो लग रहा था ना, मैंने एंड तक उसको गलत ही बोला। और जब बाहर आके मैंने बात करी, उसने अच्छे से बताई कि ये बात थी, तो मैंने फिनाले पे भी ये बात बोली कि हाँ विशाल गलत नहीं था। जी मैंने फिनाले पे बोल के आया हूँ, आप एपिसोड देखना आपको समझ आ जाएगा। किस चीज को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब क्लियरली बोलो, क्लियरली। देखो मैं सिंपल सी बात है, मैं इंसान हूँ, भगवान तो हूँ नहीं। आप कोई भी यहाँ पे भी जितने लोग खड़े हैं, मैं कोई भी खड़ा, दूध का धुला तो कोई भी ना, ठीक है ना। अब रही बात हनुमान जी की भी, तो सिंपल सी बात है, उन्होंने भी दो शादी कर रखी है, समझ रहे हो ना। मैं आपका आवाज नहीं आई मेरे को यार, आपकी आवाज नहीं, मैं नहीं नहीं भाई, उसने किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोला था और मैंने कुछ और कॉन्टेक्स्ट समझा, क्योंकि उस दौरान भी मेरे को गलत ही लगा था जब उसने मेरे कान में बात बोली थी। थैंक यू। I will describe my journey as a roller coaster ride, mentally, physically, emotionally. I've done a few reality shows before this, but nothing like this. It's a very intense experience. I think it takes a heavy toll on you, again mentally, physically, emotionally, and it's not an easy task. It's not for the light-hearted. It's not for the kya hota hai phrase? What-hearted? Faint-hearted. It's not for the faint-hearted. I have survived, and I think I have come out stronger. उसके ऑर्डर में ही आपका जवाब है। अगर जूनियर ऐसे बात करेगा तो सीनियर ऐसे जवाब देगा। उनके लिए बिल्कुल सही नहीं था, मेरे लिए बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर डन, यू हैव डन 3 क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट, एनीवन, कोई क्वेश्चन है कि उठूं? मटन बोला था, चिकन नहीं भाई। जैसे तुम लोग छोड़ोगे भाई, दोस्त आपकी उम्र शायद बहुत कम है, मैं ऑलरेडी 11 साल पहले खतरों के खिलाड़ी कर चुका हूँ, रोहित सर का पहला सीजन था। मेरा कोई कोर एम्बिशन नहीं है रियलिटी टीवी, ये मैं सिर्फ बीच में जब टाइम होता है, काम नहीं होता, तो मैं रियलिटी टीवी शो कर लेता हूँ एक्सपीरियंस के लिए। अब ये ख़त्म हुआ है, 42 डेज के बाद मैं बाहर आया हूँ, और मेरा अपना करियर है एक्टिंग में, फिल्म्स में, सीरीज में, जिसके पास मैं वापस जाऊंगा, और अपनी फैमिली के पास, अपने दोस्तों के पास वापस जाऊंगा। सना ट्रॉफी जीतने के बारे में मैं यही कहूंगा कि बिग बॉस का और जो जनता ने जो वोटिंग हुई है उसको मैं सर आंखों पर मानता हूं। हालांकि मेरे हिसाब से उनसे कहीं ज़्यादा डिजर्विंग लोग
थे जीतने के लिए। सर बिग बॉस एक रियलिटी गेम है, पर कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं इस बार बिग बॉस ने एक रियलिटी गेम खुद से खेल दिया, क्योंकि जैसे जिस तरह से लोकेश अरमान मलिक जैसे लोगों घर वालों के वजह से बाहर गए ना कि वोटों के दौरान, काफी लोगों का कहना है ये अनफेयर है, इस पे आपका क्या? बिल्कुल अनफेयर नहीं है। आई थिंक जो सिर्फ अगर सोशल मीडिया फॉलोइंग के बेसिस पे लोग अगर शो में रहेंगे फिर तो इससे अच्छा है कि जिसकी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलोइंग है उसको सीधा ट्रॉफी दे दो। जी मैं था, अरमान था और भी लोग थे। यार उस मतलब मैसेज का क्या, जो जीत जो अच्छा उस घर में जो अच्छा कर रहा है वो जीतना चाहिए, उसमें मतलब मुझे समझ में नहीं आया आपका सवाल। मैं समझता हूँ जो सवाल कुछ मीडिया वालों ने अरमान जी से पूछे थे वो कम्प्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर। तीन कंसेंटिंग अडल्ट्स किस तरह अपना जीवन चलाना चाहते हैं, आई डोंट थिंक इस तरह के सवाल आने चाहिए थे। एटलीस्ट मैं, हालांकि मैं अपने आप को लिबरल नहीं मानता हूँ, बट इतना लिबरल तो मैं भी हूँ कि अगर तीन कंसेंटिंग अडल्ट अपने किसी अरेंजमेंट में खुश हैं, मैं नहीं समझता हूँ उसमें किसी को आपत्ति कोई होनी चाहिए। यार आप दोनों ही सवाल पूछ रहे हो, बीच वालों के कोई सवाल है कि नहीं? तो वो आप वो एक काम करिए ना, आप कानून व्यवस्था को कहिए कि अप्रोच करें जानने के लिए क्या है। सर मैंने सुना नहीं, फिर से। बिग बॉस मैंने एक बार कर लिया, मेरे लिए बहुत। भाई 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 सुनने दो ना, मैडम का पांचवा सवाल है, ध्यान से सुनो। हाँ हाँ मैं तो दूसरों से हैरान हूँ कि वो आपको पूछने दे रहे हैं बार बार। चलिए पूछिए। अच्छा पूछिए। काम नहीं मिल रहा? नहीं, मैंने कहा मेरे पास उस वक्त कोई काम नहीं था और जो प्रोजेक्ट्स मैंने ऑलरेडी शूट किए हुए थे वो रिलीज़ नहीं हो रहे थे, तो मेरे पास एक गैप था मेरे कैलेंडर में जहाँ पे कुछ नहीं था मेरे पास, और मेरा बेटा आउट ऑफ द कंट्री छुट्टियों पे जा रहा था, तो जो आउट ऑफ टच रहना पड़ता है फैमिली के साथ, इस वक्त मैं वो कर सकता था तो इसीलिए मैंने ये पकड़ा। भाई साहब उनका ख़त्म होने दीजिए। अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, मुझे अभी पता लगा है कि वो रिलीज़ अभी पता लगा है आने से पहले। मैं 42 डेज कैप्टिविटी में रहा हूँ, फैमिली फ्रेंड्स और दुनिया से कटा हुआ, तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, बट मुझे खुशी है कि मेरे बाहर आते ही मेरा जो काम रिलीज़ नहीं हो रहा था वो रिलीज़ होने वाला है, एंड आई होप आप सब इसी एंथुसियाज्म से उसके लिए भी मुझे मिलेंगे। बॉलीवुड में ही नहीं, मैंने कहा दुनिया बॉलीवुड दुनिया में ही है ना, क्या कहीं और है? मैं बोल रहा हूँ बॉलीवुड में भी दुनिया में भी बहुत लोगों के ऐसे रिलेशनशिप्स हैं। लिबरल्स की दुनिया में मैं खुद जानता हूँ बहुत, अर्बन एरियाज में बहुत लोगों के ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो पब्लिक नहीं है। अब ये इनके रिलेशनशिप पब्लिक हैं तो आप लोग आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं सीख के जा रहा हूँ बिग बॉस हाउस से वो है पेशेंस। देखो बिल्कुल थी, सबका एक अलग अलग तरीका होता है गेम खेलने का। मैंने बहुत ही सेफ प्ले बोला, क्योंकि देखो जो इंसान वहाँ पे आपको पसंद नहीं है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसे नॉमिनेट कर सकते हो। उस घर से नॉमिनेशन हर हफ्ते होती है और यहाँ पे तो हफ्ते में दो बार होती थी, तो मेरे को नॉमिनेशन से मैं बचती थी क्योंकि लोग मुझे नॉमिनेट इसलिए नहीं करते थे, क्या पता मैंने उनके दिल में जगह बनाई हो और घर में मैं अच्छा कर रही हूँ तभी लोग मुझे नॉमिनेट नहीं करते थे, और नॉमिनेट नहीं हुई तो इसलिए मैं आउट नहीं हुई, इसलिए मैं टॉप 5 में पहुँची। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप बहुत लो हो गई थी,
हमने देखा आप जिस तरीके से बाथरूम में रो रही थी, आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट आप भी हो गई थी और अरमान जी भी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं विनर बनूँ और तुम मुझे नॉमिनेट कर देना, ये इन्होंने क्यों, क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट तो कर लिया है कि हमारा रिलेशनशिप है सब अच्छा है, तो फिर क्यों इतना लो फील किया? देखो, सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि हम तीनों बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते पॉलीगैमी को, और शादी हो गई है, इसको 7 साल हो गया जब हम लोगों ने शादी की थी, हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं थे, चीज़ें हो गई, बस यही है कि हाथ जोड़ के सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते दो शादियों को। और उस टाइम पर जब मैं बिग बॉस के घर में थी तो ऑलमोस्ट मुझे 35 डेज हो चुके थे, 35-35 दिन से अपनी फैमिली से दूर थी, पायल से दूर थी, अपने बच्चों की कोई खबर नहीं थी, तो अचानक से इतने सारे लोगों ने जो क्वेश्चन पुट करे, हाँ मैं मानती हूँ कि जो चीज़ें हुई वो एक एक्सपेक्ट, मतलब कि बोलते हैं कि वो एक्सपेक्टेड नहीं था जो चीज़ें हुई, और बहुत ही अलग चीज़ है, तो पर जो लोगों के क्वेश्चन थे ना वो कहीं ना मुझे हर्ट कर रहे थे, और मुझे ये चीज़ सुनने में आई थी कि पायल के बारे में जो लोग बोल रहे थे, तो वो चीज़ों के बारे में मुझे ना टेंशन से हो रही थी, मतलब कुछ चीज़ें मुझे खाई जा रही थी। और हम बिग बॉस के घर में थे, मेरे पास फ़ोन नहीं था कि मैं अपनी फैमिली को पूछ सकूं क्या वो ठीक है, क्या मेरे बच्चे ठीक है, तो बस एक होता है ना कि आप 35 दिन से भरे हुए थे और वो उस दिन जो बातें हुई उस बातों से मुझे तोड़ दिया और मैं इमोशनली ब्रेकडाउन हो गई थी। पर फिर जब मैं रोई और मैंने अपनी जो दिल की बात थी हरमान जी से शेयर करी, फिर मैं थोड़ी सी, मेरा जो दिल है वो हल्का हुआ। मीडिया को पूरा पूरा दोषी करा रहा आपने और हरमान जी ने और रणवीर जी ने, कि मीडिया ने आकर ये बोला, क्योंकि मीडिया के पास कोई मुद्दा नहीं था, बाहर बैठे बैठे अगर पायल कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है खुद ही कि वो डिवोर्स ले रही नहीं करेगी ऐसा वैसा, आप लोगों का ये ड्रामा क्यों, एज इन आप लोगों ने ब्लेम ऐसे क्यों किया कि मीडिया की ही गलती है, मीडिया ने ये किया, पायल ने ऐसा नहीं बोला होगा, क्या ये बात हेडलाइन बना रही है पायल कर रही थी सब कुछ? तो देखो, अभी तक मेरे को फ़ोन नहीं मिला है, मैं डायरेक्ट घर से आई हूँ अभी तक, मैंने फ़ोन यूज़ नहीं करा। जिस टाइम मैं घर पे थी तो मुझे जो चीज़ पता चली, क्योंकि देखो मैंने घर में ये चीज़ सुनी नहीं थी, ना मैंने देखी, ना अपनी आंखों से देखी, ना अपने कानों से सुनी कि पायल क्या बोल रही है, तो मेरे को एक कहीं ना कहीं हरमान जी को, रणबीर जी, सबको ये लग रहा था कि हो सकता है कि कोई मेरे को फॉल्स स्टेटमेंट दी हो या कोई बात को घुमाया गया हो, क्योंकि जब तक इंसान अपनी आंखों से नहीं देखता, अपने कानों से नहीं सुनता, वो विश्वास नहीं कर सकता। हरमान जी ने पूरे सीजन में एक दूसरे की सुनते हुए लोगों के ऊपर तोहमतें भी लगाई और उन्होंने बराबर से जवाब भी दिया, वो आपको नहीं लगता कि वो सही है? अगर लवकेश के बारे में कोई आकर बोल रहा है कि वो चेकअप कर रहा है तो वो बराबर से उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ वो सच बोल रहा है, लेकिन जब हम आकर कोई मीडिया आकर आउट बोल रही है तो वो आपको गलत लग रहा है। वही मुनव्वर ने भी आके सेम बात बोली डिवोर्स वाली बात, तब भी आपको नहीं यकीन हुआ? नहीं, मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये जो बात है ना बहुत ज़्यादा, आप समझो मैं घर के अंदर हूँ, 40 दिन से घर में अंदर हूँ, अचानक से कोई ये बात बोलता है, पायल डाइवोर्स वाली बात जो बोल रही है, ये कितनी शॉकिंग बात थी कि इसकी वजह से मैं पूरे 2 दिन इतना ब्रेकडाउन रही हूँ, इतने इमोशनली, मतलब हर चीज़ से मैं जूझ रही थी उस घर के अंदर, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं अपने दिल को ये चीज़ समझा रही थी कि क्या पता ये बात सच हो, क्या पता ना हो, क्योंकि मेरे को यही था मैं बाहर जाऊँ और मैं पायल से डायरेक्ट बात करूँ। जब मैं घर से बाहर निकली, टॉप 5 में जब मैं इस रेस से बाहर निकली, मैं बाहर निकलते ही स्टेज पे पायल थी और मैंने उससे पूछा तू ठीक है ना, उसने बोला हाँ मैं ठीक हूँ, बाकी बात बात की, अभी तक मैंने फोन अपने नहीं देखे, कुछ नहीं देखा। पायल मेरी डिवोर्स में लेने जा रही हूँ, इसका मतलब पायल ने बिना डिवोर्स लेके आप दोनों ने शादी की, तो इसका मतलब आपकी शादी तो नल एंड वॉइड हो गई है अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ, कि अरमान और जो आपकी शादी है वो असली रियल में शादी है ही नहीं है कानूनी हिसाब से, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं सबको यही बात बोल रही हूँ, हम लोग पॉलीगैमी को सपोर्ट नहीं कर रहे, जो दो शादियाँ इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, और जो मेरी हरमान जी की शादी है, जब पायल ने रेडी हुई, पायल की मर्जी थी तभी शादी हुई, और पायल एज अ फर्स्ट वाइफ, लीगल वाइफ, अगर वो ऑब्जेक्शन उठाती है तो उस चीज़ के लिए, मतलब कि हमारी जो लॉ है वो हमें बोल सकती है। और मैं यही बात बोलूँगी कि जो हो गया प्लीज़ वो हो गया, बार बार एक ही जी मैं इस पर्सनल चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती, आई एम नॉट सपोज टू से एनी थिंग, और भाई मुझे अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, जो भी वो
फैसला उन्होंने किया है वो बिल्कुल ठीक किया होगा। थैंक यू। जी मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूँ हर चीज के लिए। हम तीनों ने जो हमारा रिश्ता है वो आप लोगों को सभी को पता है और मुझे पता है कि वो इतनी इजीली नहीं टूटेगा। अब मैं बाहर आ गई हूँ, जो भी चीज़ें हैं जैसी भी चीज़ें सारी चीज़ें इकट्ठी बैठ के फेस करेंगे। थैंक यू। मैंने सोचा था कि मैं टॉप फाइव बने रहूँगा और मैं टिके रहूँगा, मैंने ये सोचा था, मैं ठान के आया था, मतलब फर्स्ट वीक में मैंने सोचा था। आपने आपकी जो अजम्पशन है, आपके जो क्वेश्चन है वो पूरा गलत है। मैंने कभी ऐसा कहा नहीं था कि मैं 5 दिन में घर में जाऊंगा, मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं था। साई केतन राव, थैंक यू। काफ़ी कुछ सीख कर निकला हूँ, डिसीजंस कैसे लेते लाइफ में, कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए ये भी मैंने सीख कर गया हूँ। तो लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स में सीख कर गया हूँ यहाँ से, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन ऐसे सिचुएशन में, ऐसे झगड़े में मैं गिरना नहीं चाहता, लेकिन सिचुएशन अंदर के हालात ऐसे हो जाते हैं, लेकिन बाद में हम दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आ गए, कॉमन पॉइंट पर आ गए, जो कि अच्छी बात है। और अभी फ़िलहाल बाहर भी मैं और लवकेश, वी आर ऑन गुड टर्म्स, वी आर लाइक गुड फ्रेंडशिप टर्म्स पे हम लोग। शायद वो भूल गया होगा, कोई बात नहीं, मैं उसको याद दिला दूंगा। नो मोर कॉमेंट्स ऑन पर्सनल थिंग्स, थैंक यू। एक बार हो गया वो हो गया, एंड दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यार? वो सिर्फ घर की बातें होती है क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा होता है, लेकिन बाहर आने के बाद मुझे या हर किसी को लगता है कि यार हम लोग छोटी छोटी बातों पे रो रहे थे या लड़ रहे थे या जो कुछ कर रहे थे, क्योंकि छोटी छोटी बातें, लेकिन अंडों के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, नींद के लिए, पानी के लिए, जब हम बाहर आपस में डिस्कस करते तो मुझे या सामने वाले को भी हंसी आ जाती है ऐसी चीज़ों पर। मैंने ऐसी कोई बहुत गंदी गाली नहीं दी थी, और जो भी हुआ था इट वॉज ओनली रिएक्शन, दैट्स इट। सना ने बताई थी बात कि आपने यही गाली दी थी, सना ने कंफर्म किया था क्या कि आपने मांगी गाली दी उसको सामने से दी थी? यार किसी का कंफर्मेशन से आप क्यों जा रहे हो, जाके एपिसोड खोल के देख लो ना। सना की जीत के बारे में क्या बोलेंगे? ऑल द बेस्ट टू हर एंड कांग्रेचुलेशंस। मैं एक सीख बताता हूँ आप सबको कि कभी आप अपने फायदे के लिए दोस्ती का रिश्ता मत तोड़ना। थैंक यू। घर पे मेनली यही होता है और लोग यही स्ट्रेटजी बना के जाते हैं कि मैं गेम खेलने जा रहा हूँ, बट वो रिश्ता बनाने लगेंगे तो गेम आगे कैसे बढ़ेगा? अगर आप ये मोटिवेट तो गेम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ रहा है, हम सबको आगे लेकर जा रहा है। कभी कभी दोस्ती टूट जाती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब मैं अपनी दोस्ती तोड़ूँ अपने एडवांटेज के लिए। ये सिर्फ बिग बॉस में नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में ये रूल अप्लाई करता हूँ। ऑफकोर्स बिग बॉस हाउस इज़ वेरी सेफ, कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि बिल्कुल सेफ नहीं है, एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड। थैंक यू। मैंने ऑलरेडी बोल दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन्स। सना सुल्तान या सना सुल्तान, वेरी वंडरफुल फ्रेंड, बहुत अच्छी शायरियाँ बोलती है, लेकिन मैं उससे कभी आला सुनना नहीं चाहूँगा। आगे
बहुत कुछ है लाइंड अप एंड ऑलरेडी मैंने कुछ साइन अप किया, मैं बताऊंगा जल्दी। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.